Hello and welcome to Tech Assistant for Blind. If you are a new member and you want to be tech expert, so please keep watching this video and subscribe our channel for latest technology tutorials, because all kinds of technology related solutions are available on this channel. दोस्तों आ गए हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो की काफी सारे लोगों ने डिमांड कर रखी थी। काफी सारे लोग कह रहे थे व्हाट्सएप में वॉइस नोट रिकॉर्ड करते समय जो टिक टिक वाला साउंड आता है वो किस तरह से बंद करना है। कुछ लोगों ने बोला कि इसके लिए कोई वीडियो लेकर आओ। तो जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक जुगाड़ वाला वीडियो लेकर आए हैं। जो आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करोगे तो आपको जो है टिक टिक वाला साउंड नहीं आएगा। आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करते हुए उसको बंद भी कर सकते हो और उसको चालू भी कर सकते हो। डेमो देखना है, देखिए वॉइस नोट प्ले करता हूँ। एक टिक टिक साउंड चालू है, देखिए वॉइस नोट भी चालू है, टिक टिक साउंड बंद है ना। टिक टिक साउंड बंद हो गया, वॉइस नोट चल रहा है। फिर से चालू करें टिक टिक साउंड, फिर से चालू हो गया टिक टिक साउंड, फिर से बंद करें टिक टिक साउंड को, फिर से बंद कर दे। ये बंद हो गया टिक टिक साउंड, क्या हुआ, भरोसा नहीं। तो दोस्तों देखा आप लोगों के सामने एक वॉइस नोट मैंने प्ले किया जो पहले ही रिकॉर्डेड था, जिसमें मैंने दो बार टिक टिक साउंड को चालू भी किया और दो बार टिक टिक साउंड को मैंने बंद भी किया। तो किस तरह से होगा ये, किस तरह से शॉर्टकट में आप टिक टिक को व्हाट्सएप वॉइस नोट करते समय बंद कर सकते हो, अगर आप जानते हो तो वीडियो को स्किप कर दो, अगर नहीं जानते तो वीडियो में आगे बने रहो, क्योंकि डेमो में सब कुछ नहीं बताने वाला। और टॉकबैक 9 के काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 5 वीडियो मैंने बनाए हैं। टॉकबैक 9 जो नया टॉकबैक आया है उसे लेकर काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक भी है। तो जाकर उन सभी वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, और वहाँ पर सभी टॉकबैक के नए टॉकबैक के वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन कैसे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके, और हाँ इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर करना, ताकि ये टिक टिक वाला साउंड सभी के मैसेजेस सुनने के लिए मिलता है वो ना मिले। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर करना। और हाँ, हमारे WhatsApp और Telegram ग्रुप में जुड़ने के लिए आप अबाउट पेज में जाइए, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो। सेकेंड चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के होम पेज पर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब करिए। और फिर एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूनिक वीडियोज़ की लिस्ट पड़ी है। तो मैं हूँ आपका दोस्त जीतूराज, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। स्पेशल नोटिस, आज जिस जेस्चर के बारे में आपको बताया गया है, उस जेस्चर को अगर आप एक बार परफॉर्म करते हो तो उसको दोबारा भी परफॉर्म करना है याद से। एक बार इस जेस्चर को परफॉर्म कर लेने के बाद याद से उस जेस्चर को दोबारा भी परफॉर्म करें, अन्यथा टॉकबैक बंद होगा। इस जेस्चर का एक बार यूज़ कर लेने के बाद फिर टॉकबैक को चालू करने के लिए उसी जेस्चर को फिर से परफॉर्म करें। तो दोस्तों चलिए टॉकबैक सेटिंग में जाकर देख लेते हैं कि किस प्रकार जो है आपको टॉकबैक सेटिंग में एक जेस्चर परफॉर्म करना है, यानी एक जेस्चर पे एक एक्शन रखना है, जिससे कि आप ये टॉकबैक में व्हाट्सएप में वॉइस नोट करते समय टिक टिक को बंद कर पाओगे, है ना। तो हम लोग टॉकबैक सेटिंग में चलते हैं। Talkback menu. Copy last. Talkback settings. Talkback settings. Customize gestures. 11 of 25. In list. 25 items. टॉकबैक सेटिंग में कस्टमाइज जेस्चर में हम लोग आ गए हैं। ये साउंड काफ़ी, ये जो वॉइस आपको सुनाई दे रहा है नेथन का वॉइस है, इसके लिए एक वीडियो भी बनाया है मैंने, आप वो भी देख सकते हो। तो हम लोग कस्टमाइज जेस्चर सेटिंग में चलते हैं। कस्टमाइज जेस्चर्स, नेविगेट अप, आउट ऑफ लिस्ट। अब कस्टमाइज जेस्चर सेटिंग में हम लोगों के पास एक जेस्चर फ्री है, एक्स्ट्रा है, मतलब स्वाइप अप देन राइट वाला आपके पास भी फ्री होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नए टॉकबैक में अप देन राइट पे, अप देन राइट पे भी जो है टॉकबैक मेन्यू खुलता है, और डाउन देन राइट पे भी टॉकबैक मेन्यू खुलता है। तो आपको अप देन राइट वाला जेस्चर लेना है। स्वाइप अप देन राइट, टर्न टॉकबैक साउंड ऑन और ऑफ, 14 of 55। यहाँ पर जो है
स्वाइप अप देन राइट वाले जेस्चर पे आपको टैप करना है। स्वाइप अप देन राइट चेक टर्न टॉकबैक साउंड ऑन और ऑफ इन लिस्ट। और आपको टर्न टॉकबैक साउंड ऑन और ऑफ ये जेस्चर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप ये जेस्चर सिलेक्ट कर लोगे तो याद रहे आपका साउंड ऑन ऑफ नहीं होगा, आपका स्पोकन फीडबैक ऑफ होगा। ठीक है, टॉकबैक का स्पोकन फीडबैक ऑन होगा। आप इसे एक बार परफॉर्म कर लोगे तो टॉकबैक स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, आपका टेक्स्ट टू स्पीच भी नहीं चलेगा और टॉकबैक भी नहीं चलेगा, लेकिन ये टिक टिक का साउंड भी नहीं आएगा। तो जब आप वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस समय पर इस जेस्चर को परफॉर्म करो, आपका टिक टिक का साउंड नहीं आएगा, वॉइस नोट रिकॉर्ड करके हो गया, फिर इस जेस्चर को परफॉर्म कर लो, आपका साउंड चालू हो जाएगा। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी मैं बिना जेस्चर परफॉर्म किए एक मैसेज आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, टिक टिक साउंड वाला। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे वॉइस नोट में टिक टिक का साउंड आ रहा है। Type a message. तो मैंने वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दिया, इसको सुन लेते एक बार। प्ले करके सुन लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे वॉइस नोट में टिक टिक का साउंड आ रहा है, है ना, टिक टिक का साउंड आ रहा था। अब मुझे जो है टिक टिक का साउंड नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए वॉइस नोट वाले बटन पे क्लिक करूंगा। वॉइस नोट रिकॉर्डर आउट ऑफ लिस्ट। ठीक है, इसको होल्ड करते हैं, मैसेज को लॉक किया मैंने। ठीक है, टिक टिक का साउंड आ रहा है, लेकिन अब मैं जेस्चर परफॉर्म करूंगा। देखिए टिक टिक का साउंड बंद हो जाएगा जेस्चर परफॉर्म करने पर। देखिए ध्यान से, ये मैंने जेस्चर परफॉर्म किया, वॉइस नोट मेरा चल रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको सुनाऊंगा अभी, वॉइस नोट मेरा कंटिन्यू चल रहा है और टिक टिक का साउंड बीच से ही मैंने बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर टॉकबैक ऑन नहीं है, टॉकबैक का स्पोकन फीडबैक जो है वो ऑफ हो गया है। साउंड फीडबैक का ऑप्शन दिया लेकिन वो स्पोकन फीडबैक ऑफ हो जाता है, तो मैं इसको फिर से ऑन करूंगा। ये फिर से ऑन हो गया, अब मैसेज सेंड करते हैं। अब इसे सुन लेते हैं। 0% image play. मैसेज को लॉक किया मैंने। ठीक है, टिक टिक का साउंड आ रहा है, लेकिन अब मैं जेस्चर परफॉर्म करूंगा। Play. ये वॉइस नोट सुन रहे हो आप, ताकि कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अभी वॉइस नोट प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर से वीडियो कैसे प्ले होने लगेगा। ये वॉइस नोट प्ले कर रहा हूँ मैं अभी। Awesome. देखिए टिक टिक का साउंड बंद हो जाएगा जेस्चर परफॉर्म करने पर। देखिए ध्यान से, ये मैंने जेस्चर परफॉर्म किया, वॉइस नोट मेरा चल रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको सुनाऊंगा अभी, वॉइस नोट मेरा कंटिन्यू चल रहा है और टिक टिक का साउंड बीच से ही मैंने बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर टॉकबैक ऑन नहीं है, टॉकबैक का स्पोकन फीडबैक जो है वो ऑफ हो गया है। साउंड फीडबैक का ऑप्शन दिया लेकिन वो स्पोकन फीडबैक ऑफ हो जाता है, तो मैं इसको फिर से ऑन करूंगा। अब इस वॉइस नोट को बंद कर देते हम लोग। तो आप लोगों ने देखा होगा बीच से ही जो है मैंने साउंड फीडबैक, ये जो स्पोकन फीडबैक है ये ऑफ कर दिया और टिक टिक भी बंद हो गई थी। लेकिन याद रहे आप ये जेस्चर परफॉर्म करते हो तो आपका टॉकबैक काम नहीं करेगा। अब आप कहोगे कि बीच से क्यों करना है, हम लोग तो पहले भी कर सकते हो। तो जी हाँ बिल्कुल, आप पहले भी कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी मैसेज के स्टार्ट से लेकर मैसेज के एंड तक जो है ये सुनाई नहीं देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले वॉइस नोट रिकॉर्डर के बटन पर फिंगर रखना है। ठीक है, फोकस आपका वॉइस नोट रिकॉर्डर पर आपको रख लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, जेस्चर परफॉर्म करना है। ठीक है, जेस्चर परफॉर्म करेंगे हम लोग। जैसे ये बोला स्पोकन फीडबैक इज ऑफ, आपको स्क्रीन पर कहीं भी डबल टैप करना है। ठीक है, कहीं भी डबल टैप कर दीजिए, जैसे इस तरह, ये मैंने अभी स्क्रीन पर कहीं भी डबल टैप कर दिया है। स्क्रीन पर, स्क्रीन के मिडल में मैंने डबल टैप किया और मेरा वॉइस नोट रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इस वॉइस नोट को छोड़ रहा हूँ, हम लोग प्ले करके देखेंगे कि साउंड फीडबैक आ रहा है या नहीं, यानी टिक टिक आ रहा है या नहीं। अब मैंने इस मैसेज को छोड़ दिया, अब हम फिर से जेस्चर परफॉर्म करेंगे वो वाला, ताकि हमारा टॉकबैक जो है ऑन हो पाए। स्पोकन फीडबैक इज ऑन, है ना, अभी हमारा टॉकबैक ऑन हो गया। अब हम लोग उस मैसेज को सुनेंगे। इसे सुनेंगे, भी स्क्रीन पर कहीं भी डबल टैप कर दिया है, स्क्रीन पर वॉइस नोट प्ले हो रहा है, मैंने डबल टैप किया और मेरा वॉइस नोट रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इस वॉइस नोट को छोड़ रहा हूँ, हम लोग प्ले करके देखेंगे कि साउंड फीडबैक आ रहा है या नहीं, यानी टिक टिक आ रहा है या नहीं।
तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से जो है आप अपना टिक टिक वाला साउंड एंड्रॉयड 11 में बंद भी कर सकते हो और तुरंत चालू भी कर सकते हो, है ना। किसी सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं, टॉकबैक सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं, साउंड फीडबैक बंद करने की जरूरत नहीं है। आपका साउंड फीडबैक भी चल रहा है और रिकॉर्डिंग के समय आपका स्पोकन फीडबैक भी बंद हो जाएगा। लेकिन याद रहे, आपको जो है जब भी आप स्पोकन फीडबैक को ऑफ करोगे तो वापस से स्पोकन फीडबैक को ऑन भी करना है। जब तक आप उसे ऑन नहीं करोगे तब तक आप अपने टॉकबैक पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, मतलब कि अपने फ़ोन पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर करें ताकि ये टिक टिक वाला मैसेज सुनने में बड़ी दिक्कत होती है, सभी ग्रुपों में टिक टिक सुनाई देता है। तो इस टिक टिक को जो है बंद करें, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिक वीडियोस की लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। और हाँ, फिर एक बार टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जाइए अबाउट पेज में, सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं मिलता हूँ किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।